हम हैं एमी, तानी और इन्नू, एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली। और अगर मैं ये बोलूं कि हम एक टिपिकल देसी फैमिली नहीं है तो इस बात में कोई शक नहीं है, बिकॉज पिछले 3 साल से हम फुल टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और इन 3 सालों में हमने काफी फर्स्ट क्लास लग्जरी हाई एंड ट्रेन का सफर किया है। ट्रेन का सफर हम तीनों को बहुत पसंद है, लेकिन आज हम एक बहुत यूनिक जर्नी पे जाने वाले हैं। हम फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना लाओ बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे और ये ट्रेन वाकई में अनएक्सपेक्टेड थी। सो मेक श्योर यू गाइस वॉच टिल द एंड, कीप ऑन वॉचिंग। आई नो माय पर आई फाइटी सो टेक इट फ्रॉम देम। तो यहाँ पे हमारा टुक टुक ड्राइवर आ गया है एंड ही इज़ गोइंग टू बी टेकिंग अस टू द ट्रेन स्टेशन। और यहाँ सिटी सेंटर से ट्रेन स्टेशन तकरीबन 30 मिनट दूर है, तो मज़े की राइड होगी हवा वाली। लेट्स गो। Thank you. Hey, did on the pink suitcase, Mama? Bye bye. Enjoy the pink. We actually had such a pleasant time in Luang Prabang. यहाँ पे वॉक करने का एक अपना मज़ा है, इवन बाइकिंग साइकिलिंग करने का अपना मज़ा है। ये गलियाँ क्वाइट भी हैं और बहुत ही लगता है जैसे ओपन एयर म्यूज़ियम है, टेंपल्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, अलग अलग आर्ट लगा हुआ है दीवारों पे। सो इट्स गोना बी सैड लीविंग दिस प्लेस, लेकिन अब बैंक भी है, यू नो इट्स गोना बी नाइस एज वेल। और लाओ इस रियली हैज़ बीन अ सरप्राइज फॉर अस। आज हम लोग जिस ट्रेन पे सफ़र करने वाले हैं, इस ट्रेन को चाइना लाओ रेलवे या चाइना लाओ ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली चाइना लाओ ट्रेन को बनाने का जो सबसे मेन मकसद था वो ये था कि एक तो ट्रेडिंग टाइम, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, उसको कम किया जाए, क्योंकि लाओ जो है ये वाहिद लैंड लॉक कंट्री है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिसकी वजह से इसको काफ़ी बड़ा कंपैरेटिव डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता था। यहाँ पे शिप्स नहीं आ सकते थे, क्रूजेस नहीं आ सकते थे, कार्गो शिप्स नहीं आ सकते थे, और उसकी वजह से यहाँ पे कार्गो ट्रांजिट टाइम जो है वो बढ़ जाता था और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो चाइना और लाओ ने आपस में ये एक मुआहदा किया जिसमें उन्होंने ये प्लान किया कि हम यहाँ पे एक ट्रेन चलाएंगे जो कि बोटन से चलती है। तो बोटन जो है वो एक टाउन है जो यूनान चाइना के बॉर्डर के ऊपर वाक़ है, और वहाँ से ये ट्रेन चलती है, वहाँ से शुरू होती है और ये जाती है लाओ के कैपिटल वियंटियन तक। तो चाइना और लाओ का ये मुआहदा इसलिए था कि ट्रांजिट टाइम जो है, कार्गो का ट्रांजिट टाइम एक तो वो कम किया जाए। अच्छा, तो कार्गो ट्रेन होने के साथ साथ ये पैसेंजर ट्रेन का भी काम करती है, और काफ़ी लोग जो हैं वो लाओ के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो ये ट्रेन लेते हैं और इसमें सफ़र करना पसंद करते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि आपका ट्रेवल टाइम जो है वो बड़े मार्जिन से कम हो जाता है। तो अभी जैसे हम लोग लुआंग प्रबांग से जिस शहर जा रहे हैं, इसका नाम है वेंग वियांग, और अगर आप बाय रोड जाएं या बाय बस जाएं तो आपको तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर हम इस ट्रेन में सफ़र करेंगे तो हम मुश्किल से 1 घंटा या 50 मिनट के अंदर जो है ये ट्रेन हमें पहुंचा देगी लुआंग प्रबांग से वेंग वियांग तक। लाओ चाइना ट्रेन जो है ये दिन में 4 दफ़ा चलती है, तो लोगों के पास बहुत आसानी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि वो किसी भी वक्त जो है आराम से ये ट्रेन कैच करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, तो हमारी टुक टुक ने हमें नीचे उतार दिया था और वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, वहाँ से लिफ्ट लेके हम लोग ऊपर पहुँच गए। और पहला जो इम्प्रेशन है इस ट्रेन स्टेशन के बारे में, मैसिव ट्रेन स्टेशन है और आर्किटेक्चर जो है वो टिपिकल चाइनीज आर्किटेक्चर हमें नज़र आ रहा है। तो इस वक्त हम लोग डिपार्चर्स पे मौजूद हैं और मेमथ साइज ये रेलवे स्टेशन है और बिल्कुल वैसी है जैसे हमने अमूमन शंघाई इंस्पायर्ड जो आर्किटेक्चर होता है चाइना में, काफ़ी जगहों पे साउथ ईस्ट एशिया में हमने इस तरह के टेंपल्स देखे हैं, इस तरह के घरों में काम देखा है, उसी तरह का मुनफरिद काम जो है वो इस रेलवे स्टेशन में जो है वो नुमाया तौर पे नजर आ रहा है। मेरे पीछे है यहाँ का टिकट ऑफिस, द चाइना
लाओ ट्रेन टिकट ऑफिस और ये एक्चुअली ट्रेन स्टेशन पे ही बना हुआ है. सो देर आर अ फ्यू वेज टू बुक द टिकट्स फॉर द चाइना लाओ ट्रेन. तो सबसे पहले आई एम श्योर लोग कहेंगे कि आपने ऑनलाइन बुकिंग क्यों नहीं की, हर चीज़ आजकल ऑनलाइन होती है. वेल यू एक्चुअली कैन नॉट बुक इट ऑनलाइन अनलेस यू हैव अ चाइनीज पासपोर्ट या लाओ का पासपोर्ट. उन लोगों के लिए सही है, वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. हमारा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है सो वी कैन नॉट. लेकिन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट वालों के लिए दो तीन तरीके हैं बुक करने के लिए. या तो आप किसी टूर कंपनी या बुकिंग कंपनी के साथ बूथ पे जाके बुक कर सकते हैं, या आप किसी टूर कंपनी के साथ शॉप में जाके बुक कर सकते हैं. और लॉन्ग प्रोबांग में मैंने काफ़ी जगहें देखी थी जहाँ पे वो टूर्स थे एंड वी कुड गो एंड बुक देयर. और उसके अलावा एक इनका अपना ही टिकट ऑफिस बना हुआ है इन द लुआंग प्रोबांग सिटी सेंटर. हमने वहाँ से इसलिए बुकिंग नहीं की बिकॉज वी रेड द रिव्यूज़ ऑनलाइन. और अमूमन ये होता है कि वो डबल बुकिंग कर देते हैं, कोई मिस्टेक्स कर देते हैं बुकिंग में, और उनकी काइंड ऑफ रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी. सो वी डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क बिकॉज लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. सो वी जस्ट थॉट वी विल गेट द टिकट्स फ्रॉम द ओरिजिनल ऑफिस. और प्राइस कंपैरेटिवली इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास की भी करती हैं. सो द टिकट्स दैट वी आर गेटिंग ऑब्वियसली दे डोंट हैव अ पिकअप बिकॉज हम यहीं से ले रहे हैं. और 398,000 की पड़ी है हमें ईच टिकट एंड इट इज़ द बिजनेस क्लास. दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट लग्जूरियस टिकट दैट यू कैन गेट फॉर द चाइना लाओ ट्रेन. एंड दोनों क्लासेज हम दिखाएंगे, फर्स्ट क्लास भी इकोनॉमी भी. लेट्स गो. सामान उठाओ सारा. तो ट्रेन स्टेशन जितना बाहर से खूबसूरत है अंदर से उतना ही प्यारा है. इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आई थिंक बिकॉज अभी काफ़ी नया है, इट्स क्वाइट मॉडर्नली मेड. अभी तक उन्होंने थोड़ा बहुत चाइनीज़ और वो लाओ का कल्चर थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया है, बट इट इज़ क्वाइट मॉडर्न, क्वाइट ह्यूज एज वेल. और अंदर काफ़ी खाने पीने की भी ऑप्शंस हैं. तो हम ये करेंगे, मे बी थोड़े से स्नैक्स लेंगे. आई हर्ड के एक्चुअल ट्रेन में भी एक रेस्टोरेंट होगा और मूविंग कोई बफे कार्ट होगी, तो वो भी देखेंगे. अभी यहाँ पे पीछे जाके थोड़े से स्नैक्स लेते हैं. Some spicy dips. These are for my papa. I know my brother is spicy, so take it for him. I get one of the corn soda for papa. For papa? Yes, the corn one. Please. Train number अच्छा, तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और हमारी ट्रेन जो है वो 11:48 की है. पीछे लाइन बहुत लंबी है. जो हमारा नंबर है ट्रेन का वो कॉल आउट कर दिया है, अनाउंस हो गया है. तो जल्दी से चेक इन करते हैं और फिर स्टेशन की तरफ चलते हैं. एक अच्छा काम हमने ये किया कि हम लोग 2 घंटे पहले जो है ट्रेन स्टेशन आ गए थे, तो सारा ये जो सिक्योरिटी चेक और सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी से हो गई थी. हम लोग आराम से यहाँ पर बैठे हुए थे. तो अंदर चलते हैं और चेक इन करते हैं. Coming this way or this way? अच्छा, तो हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और चेक इन करके हम लोग अपने कैरेज वाले नंबर पे आ गए. तो हमारा नंबर जो है वो 8 है, कैरेज नंबर 8 है. और यहाँ पे हम लोग अकेले हैं, यहाँ पे और कोई नहीं हमारे अलावा. वो इसलिए क्योंकि हम बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं. अगर हमें पहले पता होता कि सारे लोग जो है उसमें जा रहे हैं तो हम फिर शायद उन्हीं के साथ जाते. लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ की सबसे अच्छी जो ट्रेन की बिजनेस क्लास होती है वो आप लोगों को दिखाएं. क्योंकि हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, जिस नए मुल्क जाते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि वहाँ की सबसे अच्छी ट्रेन सर्विस या जो भी इस तरह का एक्सपीरियंस है वो कवर करने की कोशिश करें. No.
अच्छा, तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ट्रेन जो है वो ऑन टाइम पहुंची थी. तो लुआंग प्रबांग में 11:35 पर ट्रेन जो है वो स्टेशन पे लग गई थी और उसके बाद पूरे 11:48 पे यहाँ से रवाना हुई है. अब तक का जो इम्प्रेशन है इस ट्रेन के बारे में, बिलखसूस इस कंपार्टमेंट के बारे में, मैं हैरान हूँ और दंग हूँ, इसलिए कि एक घंटे का सफ़र है लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने, जिस सफाई सुथराई का यहाँ पर मुझे पूरा इंतज़ाम नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो कैबिन है, कंपार्टमेंट है, उसके अलावा भी टॉयलेट्स और ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम इसको एक तरह से डिफ्रेंशिएट भी करें फर्स्ट क्लास से और इकोनॉमी क्लास से. ये बिज़नेस क्लास है तो ये सबसे इनका टॉप ऑफ द लाइन कंपार्टमेंट है. उल्टा है, मतलब अमूमन ऐसा होता है कि फ़र्स्ट क्लास सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर टीयर सिस्टम है, उसमें सबसे पहले इकोनॉमी आता है, उसके बाद फर्स्ट क्लास आता है, फिर बिज़नेस क्लास आता है. खुशबू आ रही है फूलों की, अंदर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा कारपेट बिछा हुआ है नीचे. और अभी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा सफ़र शुरू होगा तो हम एक्सप्लोर करेंगे. लेकिन जो अब तक मुझे फील आ रही है, हमने ईरान में भी ट्रेन ली थी बिज़नेस क्लास में, हमने ईरान में सफ़र किया था, बहुत अच्छी ट्रेन थी, साफ़ सुथरी ट्रेन थी, लेकिन प्राइवेट कैबिन मिला था, स्लीपर क्लास थी, थोड़ी सी अलग थी, इससे थी बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी सर्विसेज थी और फैसिलिटीज़ थी. लेकिन ये जो है ये बिज़नेस क्लास, वाकई में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम किसी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, एमिरेट्स या कतर एयरलाइंस में. तो ये मेरे ख्याल से यूनिक एलिमेंट है. तो ये जो सीट्स हैं दे आर 180 डिग्री रिक्लाइनेबल, मींस के आप बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं, बिल्कुल बेड वाली फीलिंग आती है और काफ़ी प्राइवेट भी है, मतलब काइंड ऑफ ये एक काइंड ऑफ कवर्ड है, तो किसी और को आप नहीं देख रहे हो, कोई और आपको नहीं देख रहा. उसके अलावा ऑन द राइट ऑफ द सीट इज़ द कंट्रोल, तो आप अपनी सीट जैसे भी दिल करें, यू कैन एक्चुअली एडजस्ट इट, कंट्रोल इट हाउ एवर यू लाइक. वी ऑल्सो हैव a pillow, we have a reading light right where we're sitting. उसके अलावा we've got charging ports right over here, और सारे किस्म के chargers इनमें fit आते हैं. And over here we've got a foldable table as well. अच्छा, तो ये चाइना लाओ जो रेलवे है, जो ट्रेन है, इसमें एक ही बिजनेस क्लास का कंपार्टमेंट है, उसके अलावा बाकी जो कंपार्टमेंट्स हैं वो फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास के हैं. तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद और देखते हैं कि इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास कितना मुख्तलिफ है बिज़नेस क्लास से. तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, सीट्स अच्छी हैं लेकिन ज़ाहिर है रिक्लाइनेबल नहीं है और इसमें ज़्यादा लोग हैं. अच्छा, तो अब हम लोग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से निकल के जो है वो इकोनॉमी क्लास की तरफ आ गए हैं. इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा रश इसी में नज़र आ रहा है. तो इसमें भी सीट्स जो हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और इसमें भी कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल्स लगी हुई हैं, लोग आराम से बैठ के खाना पीना कर रहे हैं, खाते हुए जा रहे हैं. और अभी हमें अटेंडेंट ने बताया है कि कैरिज नंबर 4 जो है उसमें डाइनिंग एरिया बना हुआ है, तो अगर कुछ खाने पीने का आपको ख़रीदना है तो वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं. लेकिन बिज़नेस क्लास में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो स्नैक्स और कॉफ़ी और टी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है बिज़नेस क्लास कस्टमर्स के लिए. तो ये मेरे सामने जो है ये स्नैक बार बना हुआ है. तो कैरिज नंबर 4 में इन्होंने छोटा सा एक स्नैक बार स्लैश कैफ़े बनाया हुआ है और यहाँ पे स्नैक्स मिल रहे हैं, चॉकलेट्स हैं, कॉफ़ी है, टी है, उसके अलावा सैंडविचेस हैं. तो अगर किसी को भी भूख लगे तो यहाँ से आके ख़रीद सकता है. तो ये बड़ा अच्छा बंदोबस्त इन्होंने ट्रेन में किया हुआ है. उसके साथ यहाँ पे ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बासानी दस्तियाब हैं. अच्छा, तो यहाँ पे जल्दी से सैंडविच और कॉफ़ी की प्राइस इनसे पूछता हूँ और डिफरेंस चेक करते हैं कि दाव में हमें चीज़ें मिलती हैं उतने की चीज़ें यहाँ पे ये बेच रहे हैं या थोड़ी सी महंगी हैं या थोड़ा सा उसमें फ़र्क है. हेलो, हाउ मच इज़ द सैंडविच? व्हाट्स द प्राइस? 38,000 okay. For one? Yes. Okay. And what's inside? What's this? Chicken? Yes. तो 38,000 का सैंडविच है जो कि मेरे ख्याल से मोर एंड लेस उतना ही है जितना लाओ में मिलता है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो कि अच्छी बात है. अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमी का टॉयलेट जो है वो भी देख लेते हैं और थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि इकोनॉमी
फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के टॉयलेट्स कितने साफ़ सुथरे हैं, कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा टॉयलेट है, छोटा सा है और ये पानी है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने के लिए टिश्यूज हैं, बिन बनाया हुआ है, टिश्यूज हैं। सही है, नीट एंड टाइडी है। ये है इकोनॉमी क्लास का। अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ और वहाँ जाके चेक करते हैं कि वहाँ का टॉयलेट कैसा है। सीट्स मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड सीट्स होती हैं इकोनॉमी क्लास की, बिल्कुल वैसी हैं, आरामदेह हैं, कंफर्टेबल लग रही हैं। लोग सोते हुए जा रहे हैं, खाते पीते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये कैरिज नंबर 3 था, अब हम लोग जा रहे हैं कैरिज नंबर 2 की जानिब। ये कैरिज नंबर 2 है, ये भी इकोनॉमी है। तो यहाँ पर 3 कैरेजेस जो हैं वो इकोनॉमी के हैं, 2 कैरेजेस जो हैं वो फर्स्ट क्लास के हैं और 1 कैरेज जो है वो बिजनेस क्लास का है। ये जो है ये फर्स्ट क्लास कैरेज है और इसके टॉयलेट्स मेरे ख्याल से ये बने हुए हैं। तो ये भी जल्दी से खोल के चेक करते हैं कि फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास के टॉयलेट में कितना फ़र्क है। अच्छा, तो ये बिल्कुल डिटो वही है जैसे इकोनॉमी क्लास में बनाया हुआ था, वही यहाँ पर टैप दिया हुआ है। लोग कहते हैं कि मैं नल खुला छोड़ देता हूँ, खुला नहीं छोड़ता, ये ऑटोमेटिक है तो ये खुद ही बंद हो जाते हैं। ये देखें, अभी खुद ही थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, ये देख बंद हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बिन है, टॉयलेट साफ सुथरा है, शीशा लगा हुआ है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि स्पेस बहुत है ट्रेन में। तो जिन लोगों के पास लगेज है या एक्स्ट्रा सामान है या सूटकेसेस हैं या बैकपैक्स हैं, इस तरह की चीज़ें, स्ट्रॉलर्स हैं, उसके लिए यहाँ पे एम्पल जगह है, बहुत जगह है सामान वामान रखने के लिए। इकोनॉमी में भी, फर्स्ट क्लास में भी और बिजनेस क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा जगह है। मेरे ख्याल से अब तक हमने जितनी भी ट्रेनों में सफ़र किया है, किसी ट्रेन में इतना लेग रूम हमें नहीं मिला जितना आज की ट्रेन में मिला है। और यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों ने अपने लगेज, सूटकेसेस और ये सारा सामान जो रखा हुआ है, तो स्टोरेज के लिए बहुत जगह है इस ट्रेन में। तो ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है और यहाँ पे सीट्स जो हैं उनका कलर चेंज है। यहाँ पे लेग रूम मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी जो इकोनॉमी क्लास पीछे छोड़ के आया हूँ मैं। और यहाँ पे टेबल्स भी हैं बीच में, तो डाइनिंग एरिया भी बनाया हुआ है, डाइनिंग टेबल्स भी दी हुई हैं, जिन लोगों को बैठ के खाना वाना खाना है वो भी आराम से खाना खा सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं बिज़नेस क्लास की तरफ। तो ये आ गया है बिज़नेस क्लास का कंपार्टमेंट और बिज़नेस क्लास का जो टॉयलेट है वो सबसे आगे बना हुआ है, बिल्कुल लोकोमोटिव के पीछे। तो मेरे आगे जो है वो लोकोमोटिव है, जो इंजन होता है जहाँ पे, और पीछे जो है वो बिज़नेस क्लास का कंपार्टमेंट है। एक चीज़ जो मुझे मुख्तलिफ लग रही है बाकी सारे कंपार्टमेंट से, वो ये कि यहाँ पे एक अलग इन्होंने वॉश बेसिन बनाया हुआ है टॉयलेट के बाहर, तो हाथ धोने के लिए जो है वो एक अलग इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है हमने इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास टॉयलेट के बाहर नहीं देखी है, ये सिर्फ बिज़नेस क्लास कंपार्टमेंट में है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे रबिश बिन्स हैं, सोप है, रनिंग वाटर है यहाँ पे, हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। उसके अलावा यहाँ पे पावर आउटलेट्स दिए हैं अगर कुछ चार्ज करना हो किसी को। और इसके बिल्कुल सामने जो है वो टॉयलेट है, तो टॉयलेट चेक करते हैं। अच्छा, टॉयलेट जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड टाइडी है। और थोड़ा सा मुझे स्पेस जो है वो ज़्यादा लग रही है बनिस्बत जो इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास के टॉयलेट से, उससे साइज में हल्का सा बड़ा है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, वैसी हैं, सिमिलर हैं, लेकिन बस एक चीज़ जो इसको मुख्तलिफ बनाती है वो ये कि यहाँ पे वॉश बेसिन अलग से भी इन्होंने बाहर बनाया हुआ है, तो किसी को अगर हाथ वॉश करने हो तो वो यहाँ से, तो वो यहाँ पर आके हाथ वॉश कर सकता है। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारी ड्रिंक्स हैं, सो आई हैव गॉट अ कॉफ़ी ओवर हियर, तो मैं ये ट्राई करती हूँ। ट्रेन की कॉफ़ी हिट और मिस होती है वैसे, सो लेट्स सी। ओह, दैट इज अ वेरी वेरी बिग हिट। पाकिस्तान की रेलवे भी मैंने ट्राई की थी कॉफ़ी सुबह सुबह जब हम लाहौर जा रहे थे कराची से, वो भी बहुत मज़े की थी। उसके अलावा ईरान में हमने कॉफ़ी पी थी ट्रेन में, and that was amazing too, and that was a first class train experience. फिर सऊदीया में जब हम मक्का से मदीना जा रहे थे, that was a very very amazing experience, और वो भी बहुत ही high luxury bullet train थी। ये high speed train है and tunnels आ रहे हैं और मतलब आप coffee enjoy कर रहे हैं। सारी थकन सफ़र की actually ऐसी journey के बाद, ऐसे experience के बाद ख़त्म हो जाती है।
लेग रूम के हवाले से इतना लेग रूम मुझे नहीं लगता हमें किसी भी अपनी ट्रेन जर्नी पे कभी भी मिला है। इवन दो जो हमने पाकिस्तान में की थी दैट वाज लाइक एन ओवरनाइट ट्रेन, ईरान में ओवरनाइट की थी वो तो कैरेज स्लीपर कैरेज होता है, लेकिन इवन जो हमने सऊदीया में की थी मक्का टू मदीना उसमें भी इतना लेग रूम नहीं था। इवन जो यूरोप की हमने ट्रेन ट्राई की थी इन हंगरी इवन दैट वन डिडंट हैव दिस मच लेग रूम। हमारे पीछे वाली सीट्स के भी काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम है एंड ऑफ कोर्स बिकॉज दिस सीट कैन रिक्लाइन टोटली वो तो ऑलरेडी हमारे पास है एक्स्ट्रा स्पेस। उसके अलावा बिकॉज वी हैव अ चाइल्ड विद अस ये पूरी जगह खाली है। सो ताई ने मुझे बता दिया है कि कैरेज नंबर 4 में रेस्टोरेंट है एंड आफ्टर ही टोल्ड मी दैट आई वाज लाइक आई नीड टू गो टू द रेस्टोरेंट और मुझे कुछ खरीदना है। Is this a Chinese dress? Yes. This is banana chips. What is this? Is it sweet or savory? Sweet. It's the same. Oh, okay. This is a taro chip. What about this one? This is a pork roll. It's pork roll and sweet. Oh, okay. Sweet. Thank you. तो ये जो थी 100% हमारी ज़िंदगी की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड थी विच वॉज 52 मिनट्स और प्रॉब्ली वन द मोस्ट लग्जूरियस भी थी। बहुत अच्छा गया सफ़र, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई विश ये कोई 10 घंटे की होती, हम कहीं और दूर जा रहे होते हैं। बाय बाय ट्रेन, मिस करेंगे यार इस ट्रेन को। बड़ी अच्छी ट्रेन थी और बहुत शॉर्ट राइड थी, 1 घंटे का सफ़र था हमारा, पता भी नहीं चला कसम से, और एकदम से बस ख़त्म हो गया। मैं और मिसाल यही बात कर रहे थे कि काश हम लोग कहीं दूर जा रहे होते इस ट्रेन में, क्योंकि बहुत आरामदेह सफ़र था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, बिल्कुल लग्जूरियस ट्रेन है, अंदर से ऐसा लग रहा था कि हम लोग जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, फ़र्स्ट क्लास वो भी। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग जिस जगह हमें पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, वेंग वियंग, और यहाँ से बाहर निकलते हैं स्टेशन से और फिर टैक्सी लेते हैं और होटल चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम ट्रेन से उतर के जन्नत में आ गए हैं। आई एम सच एन ओवर एग्जैजुएटर, लेकिन लिटरली माउंटेन्स हैं और बीच में ये सिटी बना हुआ है। आई एम सो एक्साइटेड टू एक्चुअली एक्सप्लोर वैन वियंग। हम यहाँ पे 4 दिनों के लिए होंगे और लेट्स गो, लेट्स जस्ट गो। अच्छा, तो हम लोग ट्रेन स्टेशन पे मौजूद हैं वैंग वियंग के, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। एक तो मिनी वैन है, उसके अलावा एक प्राइवेट कार है, और उसके अलावा यहाँ पे टुक टुक है जो शेयर्ड होती है। अब वो शेयर्ड टुक टुक जो है वो निकल गई है, क्योंकि उस पर सारे ट्रैवलर्स से जितने भी मुसाफिर थे वो पहले सवार हो गए थे। हम थोड़ा सा ज़ाहिर सामान के साथ थोड़ा सा लेट पहुँचे, तो अब दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचा है वो है मिनी वैन का, और ये तकरीबन 30,000 खिप बनता है पर पर्सन, जो कि मेरे ख्याल से अंदाजन 1 to 1.5 US dollars है। तो हम दोनों के इम्तिसाल और मेरे टोटल मिला के तकरीबन 60,000 पड़ेंगे, जो कि तकरीबन 3 to 4 dollars है, जो कि मुनासिब है। और ये हमें डाउन टाउन जो हमारा होटल है वहाँ पर छोड़ेंगे। तो चलते हैं, सामान रखते हैं। Hotel?